नाउ वी विल सी वॉट इज़ वन साइडेड डिजीज़। ओके, वन साइडेड डिजीज़ इज स्टेटेड इन द एफोरिज्म 172 to 184। ओके, एंड दीज आर द डिजीज दैट आर हैविंग फ्यू सिम्टम्स। ओके, बहुत कम सिम्टम्स हैं, उन्हें हम वन साइडेड डिजीज़ कहते हैं, या फिर हम ये कह लें कि वो एक या दो सिम्टम्स ही दिखेंगे आपको, और मेजरली ये जो वन साइडेड डिजीज़ हैं ये क्रॉनिक डिजीज़ को बिलोंग करती हैं। ठीक है, दे बिलोंग टू क्रॉनिक डिजीज़। सो वन साइडेड डिजीज़ आर दोज डिजीज़ दैट डिस्प्ले ओनली वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स एंड दे बिलोंग टू द क्रॉनिक डिजीज़। नाउ वॉट आर द टाइप्स ऑफ वन साइडेड डिजीज़? सिंपली द टाइप ऑफ वन साइडेड डिजीज आर, वन साइडेड डिजीज कैन बी क्लासिफाइड एज हैविंग ओनली द इंटरनल कंप्लेंट। ओके, और वन साइडेड डिजीज हैविंग द एक्सटर्नल कंप्लेंट्स। सो इफ द वन साइडेड डिजीज इज हैविंग ओनली द इंटरनल कंप्लेंट, इट कैन बी द डिजीज विद द फिजिकल सिम्टम्स ओनली और विद द मेंटल सिम्टम्स ओनली। सो इंटरनल कंप्लेंट्स हैं, हो सकता है फिजिकल हो या फिर हो सकता है मेंटल हो। ठीक है, अगर फिजिकल सिम्टम्स हैं, हो सकता है कि सिर्फ एक या दो, बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया सर दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत समय से डायरिया है, तो सिर्फ फिजिकल सिम्टम है और ये देखने को मिलेगा। और वन साइडेड डिजीज़ विद मेंटल सिम्टम्स, तो वो आप देखोगे कि मेंटल डिजीज़ का अलग से ए एफोरिज़म्स हैं। ठीक है, मेंटल डिजीज़ अलग से दे रखी हैं इन द एफोरिज़म 210 to 230 जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड द वन साइडेड डिजीज़ दैट आर हैविंग द एक्सटर्नल कंप्लेंट्स ओनली, दे आर टर्म्ड एज द लोकल डिजीज़ एंड इट इज स्टेटेड इन द एफोरिज्म नंबर 185 to 203। ओके, इट कैन बी एक्सटर्नल कंप्लेंट्स कैन बी ड्यू टू एनी एक्सटर्नल कॉज वी कैन से, और इट कैन बी ड्यू टू द इंटरनल कॉज। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द वन साइडेड डिजीजेस। इफ आई स्टेट अबाउट द मेंटल वंस कैन बी सोमैटोसाइकिक, ओके, दैट इज इन द एफोरिज्म 216। सोमैटोसाइकिक मतलब पहले किसी को फिजिकल कंप्लेंट थी, ठीक है, फिजिकल कंप्लेंट के बाद मेंटल कंप्लेंट्स अराइज होगी। ऑलराइट, पहले फिजिकल कंप्लेंट थी, उसके बाद मेंटल कंप्लेंट्स अराइज हो गई, तो दैट इज सोमैटोसाइकिक। ठीक है, दूसरा होता है साइको सोमैटिक। साइकोसोमैटिक इज इन द एफोरिज्म 225 एंड इट स्टेट मेंटल डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल कॉज। ओके, तो अगर मेंटल डिजीज बहुत इमोशनल कॉज के बाद आ रही है तो साइकोसोमैटिक। अब आप देखो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाली है, एक तो सोमैटोसाइकिक है कि सोमैटो मतलब फिजिकल टू मेंटल डिजीज चल रही है, और यहाँ पे साइकोसोमैटिक है
मतलब मेंटल टू फिजिकल डिजीज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मेंटल डिजीज दैट अपीयर सडनली एज एन अक्यूट डिजीज, ओके। इट इज स्टेटेड इन एफोरिज्म 221 एंड द मेंटल डिजीजेस दैट इज ऑफ द डाउटफुल ओरिजिन। इट इज स्टेटेड इन एफोरिज्म 224। ओके, सो दिस इज द सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ योर वन साइडेड डिजीज। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द वन साइडेड डिजीज। ओके, सो वन साइडेड डिजीजेस एज स्टेटेड टू फ्यू सिम्टम्स, ठीक है। वापस से हम अगर देखें पिछला अपना जो हमने देखा पार्शली सूटेबल मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर वन साइडेड डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जिनमें बहुत कम सिम्टम्स हैं, ऑलराइट, टू फ्यू सिम्टम्स एंड वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स जो स्टेट करती है, ठीक है। टू फ्यू सिम्टम्स एंड इज हैविंग वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स, तो क्या होगा कि अगर ये एक से दो सिम्टम जो अपने को मिले हैं वो ही अगर कैरेक्टरिस्टिक हुए तो इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुए तो वही बात हो गई कि आप जो है मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन जो दे रहे हो आप, उसने कुछ सिम्टम्स तो जो थे उनको ठीक कर दिया लेकिन एसेसरी सिम्टम्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। मेडिसिन ने खुद के सिम्टम्स क्रिएट कर दिए, फिर आप क्या कर रहे हो, वापस से केस चेकिंग ले रहे हो, उस केस चेकिंग में एसेसरी सिम्टम्स इंक्लूड कर रहे हो और जो बचे हुए सिम्टम्स हैं उनको ले रहे हो, ठीक है, और फिर मेडिसिन एम्प्लॉय कर रहे हो। फिर आप वापस से अगेन प्रोसेस यही फॉलो करोगे कि वापस से केस चेकिंग लोगे, ठीक है, कि अब क्या हो रहा है वो देखने के लिए, ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो वन साइडेड डिजीज़ में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वन साइडेड डिजीज़। आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर अबाउट वॉट इज़ द वन साइडेड वन। ओके, यहाँ पे मैंने आपको वन साइडेड डिजीज़ की डेफिनेशन बता दी है, वन साइडेड डिजीज़ का क्लासिफिकेशन बता दिया है, जो फर्दर आप देख भी चुके होंगे ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिस पे इंडिविजुअल पे कि मेंटल डिजीज़ क्या हैं, लोकल डिजीज़ क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं और आपको सिंप्लीफाई करके बता दूँगी रिगार्डिंग दिस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू फाइंड आउट दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल, शेयर इट आउट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोमोपैथी।